Good afternoon, students. It's maths time. Yesterday we know some multiplication fact. Today, here it is, page number 71, multiplication tables. तो ये table है बच्चों, ये आप लिखिए, अपने आप self करिए. ये आपके 5, 3 है ना, 4, ये आपके हैं 10 का टेबल. तो आप सीख चुके हैं, ये तो हमारे हम लिख चुके हैं. तो ये आप लिखिए, ये होमवर्क रहेगा आपका. धीरे धीरे आप ये कर लीजिएगा. अब हम करते हैं पेज नंबर 76. पेज नंबर 76 टेबल ही है एक तरह से, मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है इनको सॉल्व. पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 1 फिल. अब है इसमें फर्स्ट 3 × 2 इज इक्वल. कुछ नहीं करना है बच्चों, सेम आपको इसकी टेबल चाहे कितने टाइम्स होने इसकी टेबल आप दोनों में से जिसकी भी टेबल आपको लगता है कि इसकी टेबल मुझे बोलनी है उतने टाइम्स बोल लीजिए. इस समय 2 की टेबल 3 टाइम्स बोलूँ. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 6 है ना. और 2 की टेबल 3 टाइम्स, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6. तो हमारा आंसर आ गया ये 6. यही पैटर्न से आपको टेबल बोलनी है बस, और कुछ नहीं करना है. जैसे मैं आपको बता देती हूँ यू वाला 7 × 5. तो आप 7 की टेबल 5 टाइम्स बोले या 5 की टेबल 7 टाइम्स बोले, कोई भी आंसर में आपके डिफरेंस नहीं आएगा. तो 7 की टेबल हम 5 टाइम्स बोल लेते हैं. 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35. अब मैं 5 की टेबल 7 टाइम्स बोलूँगी तो भी हमारा आंसर 35 भी आएगा. बस आपको इसी तरीके से सारे सॉल्व करने, टेबल बोलनी. जो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन, टेबल बोलते जाना, आंसर लिखते जाना. तो ये आप सेल्फ करेंगे, उससे आपका टेबल का जो रिवीजन भी होगा और आपकी प्रैक्टिस होगी. इससे आप जल्दी जल्दी टेबल कहाँ कौन सा नंबर आता है आप बिना पूरा टेबल बोले भी जल्दी से कर पाएंगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन. इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें है आपको आंसर दिया हुआ है लाइक 2 × 2 इज इक्वल टू 6. इसमें आपको आंसर दिया है. अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, अब हमें 2 की टेबल बोलनी होगी. जो नंबर हमें यहाँ दिया होगा उतनी टेबल हम बोल लेंगे, जितने टाइम 6 आएगा वही नंबर हम यहाँ लिख देंगे. जैसे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6. तो कितने टाइम्स आया 6, 3 टाइम्स. तो हमने यहाँ लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया. और सॉल्व कर लेते हैं, सी वाला सॉल्व कर लेते. 2 × 2 = 10. अब 10 हमारा आंसर है. हमें ये फाइंड आउट करना है कि 2 को हमने कितने नंबर से कितने टाइम 2 की टेबल बोली तो हमारा आंसर आया 10. 2 की टेबल बोलना स्टार्ट करेंगे. 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10. तो कितने टाइम्स आया 10 टाइम्स. तो हमने यहाँ दिया इस तरीके से इसको करना. फिर और है बस सेम यही है पैटर्न, आंसर दिए हुए हैं और फर्स्ट आपको ये नंबर दिया गया है. बस इस जो नंबर जो आपको दिया गया है इसकी टेबल बोलिए, जैसे ही ये नंबर आता है वहीं स्टॉप हो जाइए और कितने टाइम्स आया है वही हमारा आंसर होगा. एक और कर लेते हैं 4 जी वाला. 4 × 2 = 20. अब हमें 24 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 4 की टेबल बोलनी पड़ेगी. 4 × 1 = 4,
फोर टू जार एट, फोर थ्री जार ट्वेल्व, फोर फोर जार सिक्सटीन, फोर फाइव जार ट्वेंटी। तो हमारे कितने टाइम्स आया 20? कर लो क्या? अभी आप सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर टू। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर अब ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से इसको। अब आगे जो मल्टीप्लाई आएंगे ये सिंगल डिजिट वाला है, अब टू डिजिट वाले भी आ सकते हैं, देखा नहीं है मैंने आगे, पर हो सकता है टू डिजिट वाले भी आपके हो। तो ये हमारा सिंगल डिजिट वाला मल्टीप्लाई। इसमें क्या करना है, नीचे जो टेबल लिखा है उसका टेबल सॉरी नंबर लिखा है उसका टेबल आपको बोलना है कितने टाइम्स, ऊपर जो नंबर लिखा है उतने। अब उनका टेबल टू टाइम्स होगी, टू वन जार टू, टू टू जार फोर। तो ये हमारा आंसर हो गया। बी वाला देखिए, थ्री और एट। अब एट की टेबल थ्री टाइम्स बोलिए, थ्री की टेबल एट टाइम्स, कोई आंसर में कोई फर्क नहीं आपको आएगा। एट की टेबल बोल रहे थे हम, जल्दी हो जाएगा हमारा। एट वन जार एट, एट टू जार सिक्सटीन, एट थ्री जार ट्वेंटी भी। फिर एट की टेबल ही हो रही है, एफ वाला करा देती हूँ, सेवन एंड फोर। तो सेवन की टेबल फोर टाइम्स खोल लेते हैं, सेवन वन जार सेवन, सेवन टू जार फोर्टीन, सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन, सेवन फोर जार ट्वेंटी एट। आज आप ये पेज सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं है, टेबल बोलना है बस। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन और थ्री तो सेम है। क्वेश्चन नंबर टू में ये है कि आपको आंसर दिया हुआ है और किससे इसको मल्टीप्लाई करना है वो वहाँ गैप दिया हुआ है, वहाँ आपको ये करना है कि जो टेबल दी गई है वो आप बोलते जाइए और जैसे ही आंसर वाला नंबर आए वहाँ स्टॉप हो जाइए। कितने टाइम्स आया वही हमारा आंसर होगा, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, फोर टाइम्स आया तो फोर लिख दीजिए, टू टाइम्स आया तो टू लिख दीजिए, बस यही है, यही इसका इजी है, कर लेंगे आप। अब हम आते हैं पेज नंबर 77 पे। फाइंड हाउ मैनी विदाउट काउंटिंग। अब यहाँ आपको काउंट नहीं करना है पर हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी। क्वेश्चन नंबर वन, देयर आर टू रोज, ईच हैज थ्री एग्स। जब आपको फर्स्ट मल्टीप्लाई जब इंट्रोड्यूस किया था तभी आपको कुछ पिक्चर्स बना बना के आपको मल्टीप्लाई करवाया था, उसका क्या था, क्यों करवाया गया ये, ताकि आप आगे इस टाइप के जो क्वेश्चन आए उनको आप इजीली सॉल्व कर पाए। अब ये टू रो है और ईच रो में कितने एग्स हैं, थ्री, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो दोनों नंबर्स हैं उनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना टू इंटू थ्री। जैसे पहले भी हमने ग्रुप्स, ग्रुप कितने हैं पहले तो वो काउंट कर लो और फिर वन ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं वो देख लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये टू वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। देयर आर फोर रोज, वन टू थ्री फोर, फोर रोज हैं इसमें आइस ट्रे में,
ईच हैज फोर आइस क्यूब, हर रो में ईच रो हैज उसमें फोर आइस क्यूब है, और रो भी फोर है और आइस क्यूब भी फोर है, तो फोर इंटू फोर यहां लिखते हैं। कर रहे हैं आप, राइटिंग आपने अपनी बिगाड़ ली है, इट्स नॉट गुड। अब
अपनी राइटिंग अच्छी लिखिए, मिस्टेक्स कम करिए ही नहीं, ओके ओके।